मेहमानों के सामने कुछ जलील करती है देखिए शहबाज भाई। क्या? सॉरी सर, ये गलती से निकल अच्छा, गया। एक दफा में कुछ नहीं होता, एक दफा में कुछ नहीं होता। देखिए शहबाज, मेरी दोस्त घर पर आई और मैंने अपने सर्वेंट को बुलाया और मैंने इससे ये कहा कि जाओ मेरी दोस्त के लिए कुछ लेकर आओ, फिर तो ये तो रिश्ते ही ले आया। हाँ है? हाँ? तो वो ठीक थी बात। हाँ? है? बाक है? देखिए शहबाज, आप इनको अच्छी तरह समझा दीजिए, अगर ये मेरे घर के सही तरह काम करेंगे, यानी कि झाड़ू पोछा बर्तन धोना, मेरे कपड़े अच्छी तरह से धो के प्रेस करके रखना, तब मैं सोचूंगी कि 100 रुपए का नोट दे दूं। बहुत अच्छे, ये काम तो मैं करता हूँ भाईजान। अच्छा, ये तो कहती है पार्ट टाइम मेरे 100 रुपए बन के रहो। Assalamualaikum, this is me Shehbaz Sanam, son of Sikandar Sanam, और आप लोग देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सिकंदर सनम ऑफिशियल। हमारे इस खूबसूरत से शो का नाम सन ऑफ सिकंदर सनम शो। आज का हमारा एक टॉपिक है, अक्सर देखा गया है, अक्सर सुना गया है कि अमीर लोग अपने नौकरों पे बड़ा जुल्म करते हैं, तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा शो है। एक अमीर बल्कि करोड़पति बल्कि अरबोंपति खातून यहाँ हमारे शो में तशरीफ लेकर आई हैं अपने नौकर के साथ, तो सुनेंगे उनकी नोकझोंक, उनकी बातें, मज़े मज़े की बातें। तो आप सबकी घर बैठी भरपूर ताले में सबसे पहले तशरीफ लेके आती हैं करोड़पति अरबपति खातून मिस इरमा अहमद, तशरीफ लेकर आएंगी। क्या बदमाई दे रही है आप मुझे आते ही। हाय बोला है। अच्छा, हाय हाय, हेलो हेलो, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? फाइन, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप माशाल्लाह करोड़पति हैं। ऑफ कोर्स करोड़पति। ठीक है, अच्छा मैं आपके नौकर को भी यहाँ बुलवा लेता हूँ ताकि मजे मजे की बातें उनके सामने हो जाएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हमारे व्यूवर्स भी एंजॉय करेंगे आपकी गर्मा गर्म बातों से। मेरे सर्वेंट को यहाँ बुलाया है। तो आपके साथ ही तो आए वो। लेकिन मैं तो पहले आ गई थी, क्यों बुलाया आपने उनको? तो उन्होंने हमें कहा था कि मुझे भी बुलाया जाए आपके शो में, काफी तजस्सुस है मुझे आपके शो में आने का क्योंकि वो YouTube पे हमारा शो देखते रहते हैं। ओके ओके ओके, बुलाइए, बुलाते हैं। तो आप सबकी घर बैठी भरपूर तालियों में तशरीफ लेकर आएंगे अरबपति बल्कि करोड़पति अरबों अरबोंपति खातून के नौकर, तशरीफ लेकर आएंगे। वालेकुम अस्सलाम, जन्नतुल मकाम, दोज़खुल आराम। मैंने दुआ भी दी है, अब साथ में सलाम का जवाब भी दिया है। मैं खैरियत से हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। बिल्कुल, एप्लीकेशन में उर्दू की लिख लीजिएगा ये। बहुत गर्मी हो रहा है। मैडम इसको ना उतारिए। क्यों? क्यों क्यों क्यों, क्या हो गया? एक हम पत्थर की है। हाँ है, माफी चाहता हूँ, मैं मजाक करने की आदत है। बिल्कुल, इसको लगा लीजिए। क्यों बच्चे को डरा रही हैं आप? कौन बच्चा है, आप या मैं? देखने वाले। अच्छा, हम तो बच्चे कुछ हैं। मैडम एक बात बताएं, देखिए गरीब वैसे ही महंगाई का इतना सताया हुआ है और महंगाई ने वैसे ही गरीबों पे इतने जुल्म कर दिए हैं, पर आप इन पे इतना जुल्म क्यों करती हैं भाई? जुल्म? जी इस पे? जी क्या बताया इसने आपको? मेहमानों के सामने क्यों जुल्म करती हैं? देखिए शहबाज भाई। क्या? सॉरी सर, ये गलती से निकल अच्छा, गया। एक दफा में कुछ नहीं होता, एक दफा में कुछ नहीं होता। देखिए शहबाज, मेरी दोस्त घर पर आई और मैंने अपने सर्वेंट को बुलाया और मैंने इससे ये कहा कि जाओ मेरी दोस्त के लिए कुछ लेकर आओ, फिर तो ये तो रिश्ते ही ले आया। हाँ है? हाँ? तो वो ठीक थी बात। हाँ? है वाकई? अच्छा, मुझे भी मिलवाइएगा। भूल नहीं तो मेरे दोस्तों को देखते हो? तो क्या करूँ, आप तनख्वाही नहीं देती। जाहिर है ना, आपको देख देख के तो उनका दिल भर गया है। हाँ? तो दोस्तों को भी देखेंगे ना वो। भिंडी जैसा मुंह देख देख के अब आ जाएगा। मैडम आप एक बात बताएं जी, आप इनको सैलरी कितनी देती हैं? क्यों दो सैलरी? है क्यों दो सैलरी, क्या मतलब क्यों दो सैलरी? ये क्या बोल रही है भाई? अब किस बात की दो सैलरी? काम करेगी और गाएगी। काम देखा आपने? क्या सादा बुरी लगती है, ऊपर से ऐसा नहीं है। किस बात की दू तनखा? क्यों किस बात की दू? 100 रुपए देती हूँ और हाँ? कहती हूँ दही लेकर आ जाओ, उसमें से 20 रुपए कम होते हैं। 20 रुपए तो कम होंगे ना भाई। क्यों? इतनी दूर जाता हूँ, कमीशन नहीं लूंगा क्या? नौकर है, नौकर होंगे कमीशन लेंगे। और गाड़ी भी देती है और 100 रुपए वापिस ले लेती है। गाड़ी कौन सी देती है? गाड़ी वो एक पहिए वाली। वहाँ तक पहुँचोगे तो दही के पैसे जमा हो जाएंगे। अरे वो तो मैंने इसलिए दिए कि इसकी कन्विंस भी तो होनी चाहिए ना, कितना पैदल चलेगा इतनी गर्मी में। बहुत अच्छे है रबड़ की औरत, माफी चाहता हूँ, मुझे फकीर समझ रही है। हा? खुद का मुंह छोटी बतख जैसा है। जैसे आपने थोड़ी देर पहले मुझे इन्हें कहा कि रबड़ की औरत, तो फिर ये रबड़ खींच के मारी है ना मुझे। हाँ तो क्या हो गया? बहाने बहाने से पेट भर के ठरकी है। हाँ, कैसी बातें कर रहे हैं आप, मेरे शो में आके मुझे जलील कर रहे हैं। ये मुझे बिल्कुल तनख्वाह नहीं दे रही है। हाँ?
मैं नहीं दूंगी तनख्वाह, मैं नहीं दूंगी तनख्वाह। और माशाल्लाह बैग में तो कुछ ज्यादा लग रहा है, कुछ नोट वोट तो भरे हुए हैं। नोट वोट इसमें कुछ नहीं है भाई, ये पार्ट टाइम पेम्पर बेचती है। नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो? देखिए शहबाज भाई, देखिए बार बार भाई मत करो, मैं शो बंद कर दूंगा फिर। सॉरी सॉरी, गलती से जुमला निकल रहा है भाई का। चले दो दफा में कुछ नहीं होता, दो दफा में कुछ नहीं होता। देखिए मेरी बात सुनिए, आदमी अंदर से बगैर है तो छह दफा से भी कुछ नहीं होता है। सही बोला, सही बोला, सही बोला, इन्होंने अपने आप को कहा। देखिए आप हंसती भी बहुत बुरी लग रही है, आप मुझे तनख्वाह देंगी तो मुझे परी लगेंगी आप। मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। देखिए शहबाज, आप इनको अच्छी तरह समझा दीजिए, अगर ये मैं घर के सही तरह काम करेंगे, यानी कि झाड़ू पोछा बर्तन धोना, मेरे कपड़े अच्छी तरह से धो के प्रेस करके रखना, तब मैं सोचूंगी कि 100 रुपए का नोट दे दूं। बहुत अच्छे, ये काम तो मैं करता हूँ भजन। अच्छा, ये तो कहती है पार्ट टाइम मेरे 100 रुपए बन के रहो। अब ये कहेंगी कि सैलरी किस बात की दूं? क्यों? तुम छुट्टियां ही तो नहीं करते हो। मैं तो ये भूल गई थी। क्या? अच्छा भाई, इन्होंने खुद ही याद दिला दिया। ये बहुत छुट्टियाँ करता है, बहुत छुट्टियाँ करता है। तो क्या करूँ भाईजान? क्यों? मेरी नानी फौत हो जाती है। नानी फौत हो जाती है? मेरा मतलब है जब कोई बुजुर्ग हैंडसम बंदा देखती है फौरन फौत हो जाती है। स्कूल में कई दफा फौत हुई है मेरी यहाँ तो। अच्छा है, मामा घर मामी। तुम इतना क्यों बोल रहे हो? तीन टाइम तुमको मैं खाना भी खिलाती? तीन टाइम खाना? दो टाइम खिलाती है, एक टाइम आसरा। झूठ बोल रहे शहबाज भाई आप। उठो उठो, निकलो यहाँ से। बाहर में भाई बोल के पूछो पक्का कर रही हो? अरे नहीं, अरे निकले, अरे अरे निकले, खड़े खड़े खड़े, अरे नहीं 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 नहीं, कोई जानू मानो, निकले ऐसे। भाई बोल के मुझे पक्का कर दिया, आप उनके भाई हैं, आप दोनों बहन भाई हैं। एक मिनट, क्या पेम्पर वाला क्या है? अरे जान, अरे बताओ, मुझे भाई बोल बोल के मुझे भाई जैसा ही कर दिया इसने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका मुंह ही भाई जैसा क्या है? अरे यार क्या चीज है यार ये। आई होप क्या आपको हमारा ये प्रोग्राम मजेदार लगा होगा। खैर आप हमें कमेंट्स करके बताइएगा आज का हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा। वो नए आने वाले व्यूवर जिन्होंने आज में फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया, काइंडली प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक करिएगा, ताकि हम लोग जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और आप अगर हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे हमारा पेज फॉलो करें सलाम्स ऑफिशियल, ताकि हम लोग फेसबुक पे जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नए एपिसोड में नए गेस्टों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।